आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। बक्सवाहा में अवैध उत्खनन कर निकाले जा रहे पत्थर, मिट्टी एवं मुरम, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बक्सवाहा अंतर्गत मिट्टी, मुरम एवं पत्थर का अवैध उत्खनन हमेशा से होता रहा। गौरतलब है कि बक्सवाहा विकास खंड में कोई भी मिट्टी, मुरम एवं पत्थर की खदान न होने के कारण विकास खंड में होने वाले निर्माण कार्यों में ठेकेदार द्वारा हजारों लाखों ट्रक पत्थर, मिट्टी एवं मुरम निर्माण कार्य में अवैध रूप से शासन की जमीन से निकालकर उपयोग में लेकर शासन को लाखों रुपयों का राजस्व का चूना लगाया जाता रहता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में बक्सवाहा विकास खंड के अंतर्गत दो बड़ी इकाइयां तालाबों का निर्माण कार्य कर रही हैं। एक तालाब का निर्माण कार्य गड़ी सेमरा के पास चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा हजारों ट्रक काला पत्थर अवैध रूप से खनन कर उपयोग में लाया गया है। वहीं बात करें अगर हम नगर के पास कुही के तालाब पर चल रही WTP इकाई, तो वर्तमान समय में उस इकाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उस निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा शासन की आंखों में धूल झोंक कर हजारों ट्रक पत्थर एवं मिट्टी मुरम अवैध रूप से खनन कर उपयोग में लाकर शासन को लाखों रुपयों का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। उक्त रोड का निर्माण कार्य वर्तमान समय में प्रगति पर है, जिस निर्माण कार्य में चल रहे अवैध उत्खनन के प्रमाण मौका मुआयना कर देखे जा सकते हैं।